कानपुर में पूर्व पार्षद जितेंद्र सचान के पत्थर को मौजूदा पार्षद द्वारा हटवाने का आरोप लगा है। वार्ड 170 के वर्तमान पार्षद पर पूर्व पार्षद जितेंद्र सचान का पत्थर हटवाने का बड़ा आरोप लगा है। पूर्व पार्षद ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। आरोप है कि पार्षद अखिलेश वाजपेयी पुराने काम को लेकर रिपेयर कराकर पैसा पास कराना चाहते। वार्ड 170 के बाबा भोलेश्वर मंदिर बर्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए सुने क्या कहा पूर्व पार्षद ने। क्या नाम है? मालती दीक्षित। मालती जी, क्या हुआ है, किस चीज को लेकर आप लोग खड़े आ जाए? हम लोग यहाँ पानी के व्यवस्था के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। और जब से ये पार्षद जी भए हैं तब से और पानी का विलम्ब हो गया है। क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत ये हो गई, टंकी टूटवा दिया हम लोग। कहाँ पानी टंकी टूटवाई है? ये पार्षद जी का कौन पार्षद? अखिलेश, हम तो नाम नहीं जान पाई थे। अखिल जो अभी है जो वर्तमान पार्षद है उन्होंने करवाया? हाँ, ये सब हो रहा है। पहले किसने लगवाई थी टंकी? जितेंद्र सर उन्होंने लगवाई थी। उन्होंने कल से पानी नहीं मिल रहा। उनके लेबर लोग पूरी कितनी दिक्कत हो रही, पानी नहीं मिल रहा? अरे पानी बहुत दिक्कत हो रही बेटा, पर जब बूढ़ा आदमी विकलांग आदमी कहाँ जाए। मेरा नाम अखिलेश कुमार भारती, पार्षद वार्ड 170 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है। मंदिर पे एक टंकी लगवाई गई थी और आपके द्वारा और आपके जो लेबर लगे थे उन्होंने तोड़ दिया, क्या कहना चाहिए? ये निराधार गलत है। इसमें क्षेत्र में विकास का बिल्कुल व्यवहार चल रही है। भोलेश्वर मंदिर में हजारों लोगों को प्रतिदिन आना जाना है। वहाँ टंकी एक लगी हुई थी, उसकी मोटर डैमेज हो गई थी, तार भी डैमेज हो गया था और पानी का लेवल भी नीचे चला गया था। उसके आसपास पुल के नीचे सैकड़ों लोग गरीब आदमी रहते हैं, तो उसी टंकी से पानी पीना था। तो मैंने जलकल विभाग को जेई से कह करके ये बोला कि एक 2000 लीटर की टंकी रखवाइए और इसका पुनर्विकास के लिए कार्य करिए। तो उसके जो टंकी रखी जाती थी उसका लेवल छोटा था, तो वो लेवल टंकी का जो पत्थर था उसको हटाने के लिए कुछ पूर्व पार्षद के पत्थर लगे हुए थे, तो वो उसने सोचा कि इसको निकाल लें क्योंकि टूटे नहीं, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जब इसकी ये ऊपर से स्लेब पड़ जाएगी, टंकी 2000 लीटर की पड़ेगी, तो उनके पत्थर भी लगा दिए जाएंगे। ये बिल्कुल एक राजनीतिक और ऐसा ये जो हो रहा है बहुत गंदा माहौल है। वहाँ लोग परेशान हैं, भगवान के लिए पानी नहीं है, लोग पाउच लेकर के भगवान को ले जाते हैं और यहाँ राजनीति कर रहे हैं। भगवान के लिए तो छोड़िए, वहाँ के लोगों के लिए छोड़िए, आम जनता के लिए छोड़िए। 2000 लीटर की टंकी लगाने में क्या दिक्कत है? पत्थर आपका वहाँ रहेगा, पत्थर तोड़ने का मेरा कोई भी वहाँ ना किसी ठेकेदार का मामला है ना मेरा है, पत्थर से क्या लेना देना है? कोई अनुशासनहीनता नहीं है। हम लोग संगठन का बहुत मानते हैं और संगठन का पार्षद से बड़ा और कोई भी प्रतिनिधि से संगठन का ही महत्व है और हमारे लिए सम्माननीय संगठन है। यदि कोई ऐसा करते हैं, पार्टी के लिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। माना जाए कि दोबारा टंकी लगाया जाएगा, दोबारा 2000 लीटर लगाई जाएगी कि जो आम जनता की होगी, आपका पत्थर लगवा दिया जाएगा। पत्थर वो सुरक्षित निकाला गया है कि टूटे नहीं, क्योंकि पिलर पे खड़ा हुआ है।